अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। आशीष, अब क्या करेंगे? मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहां मेरी नंदिनी, मेरा बच्चा हॉस्पिटल में है। मेरा बच्चा रो रहा है, दूध उसे नर्स पिला रही है, नर्स उसे चुप करा रही है, जबकि मुझे वहां होना चाहिए था अपने बच्चे के साथ। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब कोई रास्ता ना दिखे ना, तब बहुत जोर से उम्मीद कर लेनी चाहिए। देखना, जरूर चाची जी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगी मम्मी जी को अंदर लेके जाने का। कुसुम चाय आंगन में ले आओ, वहीं पी लेंगे। जी जी, चाय बन रही है, अंदर रख दो। हम यहाँ हैं तो आंगन में ही बैठ जाएंगे, अंदर काहे रख दोगे? जी जी, मौसम ठंडा है ना, इसीलिए। का इसीलिए? वो डॉक्टर ने कहा है कि ठंड की वजह से भी अस्थमा का अटैक आ सकता है ना, इसलिए जरा अंदर रहे तो ज्यादा अच्छा है। दोबारा दौरा पड़ा है का? हाँ, अभी। डॉक्टर लोग भी रोज रोज नया नया पाठ पढ़ाते हैं। नहीं नहीं, ध्यान रखो, वो फर्क नहीं, अंदर पी लेते हैं। चलो आप जाइए जी जी, मैं लाती हूँ। आशीष, चाची जी मम्मी जी को अंदर लेकर गई हैं। I just hope वो किसी बहाने से मम्मी जी को अंदर ही रोक लें। मैं एक काम करती हूँ, छोटू तिवारी का सामान लेकर फटाफट आती हूँ, ठीक है? ठीक है। मैत्री, जी जी कमरे में है, तुम जल्दी से निकलो। हाँ चाची जी, बस छोटू तिवारी का सामान ही पैक कर रही थी, मैं निकल ही रही। हाँ, आप मम्मी जी को संभाल लेंगे ना? हाँ मैत्री, तुम झट से जाओ और फट से हमारे पोते को घर ले आओ, यहाँ का मोर्चा हम संभालेंगे, तुम जाओ जल्दी। जी जी, आप थकी हारी परेशान लग रही है, 4-5 घंटे अच्छे से सो लेंगी तो ताजा मन से अपने पोते का स्वागत कर पाएंगे, उसे गोद में खिला पाएंगे, इसीलिए आपको नींद की दवाई दे रहे हैं। माफ करना जी जी। थोड़ा सा राइट देखना, थोड़ा सा लेफ्ट। हाय, कोई इतना सुंदर कैसे लग सकता है? ये सुंदर लगने का कोई कोर्स वोर्स किया था क्या तुमने? तुम पहले से इतने बड़े फ्लर्टी हो या फिर तुमने भी कोई कोर्स किया था? शादी का असर है। इतनी अर्जेंटली मुझे बुलाया और ये बाबू शोना वाला मैकनी शो चला रहे हो? ये नहीं देखना मुझे, गाइस मेरा घर है, सिनेमा हॉल नहीं है, कुछ तो शर्म करो यार। बड़े बड़े आशिक कह गए हैं, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। सो बैड यार आशीष, कुछ एक सेकंड एक सेकंड, तुम्हारे पेट में एक बात नहीं बचती ना? हाँ बता दी अपनी एक गिलासी की दो गिलासी को सब कुछ। क्या है आशीष, मैंने कुछ भी नहीं बताया। तो उसे कैसे पता चला कि मिस्टर एंड मिसेस तिवारी गुड न्यूज लेकर आए? मैत्री, हाँ? ये बलून्स क्यों लेकर आई हो तुम? अरे ये तो मैं बर्थडे पार्टी के लिए लेकर जा रही थी, तुम लोगों ने बुलाया। हाँ तुम लोगों ने बुलाया तो मैं आ गई। जल्दी जल्दी बताओगे क्या गुड न्यूज है? गेस करो। मेरी और नंदिनी की शादी को 2 साल हो गए, तो इन 2 सालों में क्या गुड न्यूज हो सकती है? 2 साल हो गए मुझे पता है, लेकिन आज नहीं हुए, एनिवर्सरी नहीं है, मुझे पता है। फिर अरे ट्यूबलाइट, अरे मेरी दोस्त है। अरे सॉरी सॉरी, मेहरबान कदरदान, नंदू की अदा पे कुर्बान, योर्स ट्रूली आशीष तिवारी का प्रमोशन हो गया है। क्या बात है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से सीधे जज बन गए क्या? पर इसका शादी से क्या कनेक्शन? तुम ठीक तो हो ना आशीष? करियर में नहीं, लाइफ में प्रमोशन हो गया है, होनहार बेटे से
जानदार पति और अब जानदार बाप बनने वाला हूँ। सिर्फ तुम ही बाप नहीं बन रहे हो, मैं भी तो मम्मा बन रही हूँ। तुम लोग अपना अपना देखो बस, मैं भी तो मासी बनने वाली हूँ यार। अरे हाँ, तीन तीन चेयर्स है। हिप हिप। हो गया? हाँ। फुर्रे। एक गिलासी, दो गिलासी, तीन गिलासी, चार। पकी अपनी दोस्ती, पका अपना प्यार। चलो क्या हुआ? कुछ नहीं। दीदी, इतनी बार तो हम भी पान में चूना कथा नहीं रगड़ते हैं जितनी बार आप ये वीडियो को आगे पीछे करके रगड़ चुकी है। आप बोलने से पहले सोच लिया करिए कभी कभार कि क्यों कर रही हूँ। आप बड़े वकील हैं, आप गेहूं के बोरे में तो घुन तक निकाल देती हैं, महारत है आपकी। हाँ, इतना हमको पता है कि आप जरूर कोई नया दाव पेच, कोई नया सुराग ढूंढ रही होंगी। हाँ, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।